भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार सुबह कोरोना का टीका लगवा लिया। केरल और पुडुचेरी की नर्स की देखरेख में उन्हें भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का टीका लगा। सोशल मीडिया पर सुबह से इस बात की ही चर्चा हो रही है। दरअसल भारत में 1 मार्च से टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। इसमें 60 साल से अधिक उम्र वालों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। अगर आपकी उम्र 45 साल से ज्यादा है और आपको गंभीर बीमारियां हैं तो आपको भी टीका प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में लग सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 60+ एज में आते हैं और इसलिए उन्हें सबसे पहले टीका लगवाया। दुनिया के दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों के मुकाबले प्रधानमंत्री मोदी ने टीका लगवाने में थोड़ी देरी जरूर की है, लेकिन भारत ने बने टीकाकरण का क्रम नहीं तोड़ा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को टीकाकरण अभियान की शुरुआत में ही वैक्सीन लगवाते हुए देखा गया। बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐसा करने से लोगों में टीका लगाने को लेकर जो हिचक है वो दूर हो जाएगी। ऐसा कहने वालों में सबसे आगे हैं भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। समाचार एजेंसी ANI से डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने कोवैक्सीन लगवाई है। वैज्ञानिक तौर पर कोवैक्सीन के बारे में बहुत सी भ्रांतियां फैली गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस वैक्सीन के लगाए जाने के बाद सभी विवादों को विराम दिया जाना चाहिए। ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।